खाना खाई क्या नौकी दुले? उसके मन के हर खाली हिस्से को तुम्हें भरना होगा, उसके दिल में तुम्हें अपने लिए प्रेम पैदा करना होगा। तुम्हें हमारे बेटे का आखिरी सहारा। अगर तुम नहीं चाहोगे कि वो जिंदा रहे। तुम शेखर की बीवी नहीं बल्कि एक दासी हो, और दासी को मर्द के प्रेम में पड़ने का कोनो अधिकार नहीं होता। मर्द का प्रेम खाली उसकी बीवी के लिए होता है, जो तुम नहीं हो। उसके पास एक अच्छी सी बीवी है और तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि शेखर और तुम्हारा ये प्रेम सिर्फ बारिश पैदा करने के लिए है। छोटकी दुल्हन से मिलना है। यहाँ काहे ले आ गए? ओ काहे छोटके दुल्हन के? हम महसूस किए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और ये बारे में आपसे हम कभी बात तो नहीं किए। और ना ही क्षमा मांगे। कहीं तुमने हमें वो चांदी वाले पायल तो नहीं ले? हमको मिल नहीं पाई। छोटकी दुल्हन, हम आपके आदमी की बात कर, खाली थोड़ी वक्त के लिए, जब तक वो बस बस एक बच्चा भर देना ना तुम्हें हम लोगों को। वो बात हम अच्छे से जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। बस वही आपसे मंजूरी चाहते थे छोटकी दुल्हन। हम तो पहले ही बोल चुके हैं, फिर दोबारा पूछने का क्या मतलब? बात यह है छोटकी दुल्हन की, हमको जो काम करना है वो खाली शरीर तक नहीं है। बल्कि ओकरे आगे भी बहुत कुछ है। छोटे ठाकुर आपके हैं, और जो काम हमको करना पड़ेगा उसके लिए हमको दलील लांगनी पड़ेगी। छोटकी तुले, शादी जैसा पवित्र रिश्ता गंदा होगा हमारी वजह से। ये सब काम के लिए हमको भावना के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो एक पति पत्नी के बीच में होती है। और ये चीज खाली प्रेम से पैदा होता है। ये सब तू कहाँ कह रही है भावना? कहीं तू नहीं कह रही कि वो तेरे प्रेम में पड़ जाएंगे? जानते हैं कि हमसे सुंदर कोई नहीं है।
फिर भी तुम हमें और अच्छा देखना चाहती हो ना, तो अपना काम जल्दी से करो। हम तुम्हें कुछ चीजें दे सकते हैं, जैसे कि झुमका, बाली, कंगन, जो उनको बहुत ही पसंद आता है, लेकिन उनको ले जाने के बाद हमको वापस करना पड़ेगा। हाँ, चलो अब यहाँ के हमें बाल धोने में मदद कर दो ना। देखो, हमारी ई हवेली में शादी एलिए हुई थी ताकि हमको सुख सुविधा मिले, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमें यहाँ रहना पड़ता है, कैसा लगता होगा? अब तुम क्या जानो कहाँ से आई हो ना तुम। वो जगह तो यहाँ से भी ज्यादा खराब होगी ना। देखो, हम सोचते हैं कि ये आखिरी बार होना चाहिए, हम तुमसे नाराज नहीं होना चाहते और ना ही कुछ और हमारा वादा है कि अगर तुम अपना काम जल्दी से खत्म कर दो ना, तो हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अब जाओ और अपना काम ना जल्दी करो, ये सब फालतू बातें मत सोचो, ये दहलीज पार करना और वो सब। बनिया गिरा ना, साबुन बाल में ही सुखा देगी का? सुन, वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं का? देखो, हम ना तुमको एक बात बताते हैं उनके बारे में। बीबी है ना, ये अच्छे से जानते हैं। और उनकी ना एक बहुत ही फालतू सी आदत है, बिस्तर में जाने के बाद ना अचानक काका बात करने लगते हैं, जो दिमाग में आता है, कभी कविता, कभी शेर। हमको तो ना नींद आने लगती, हम सो जाते हैं, लेकिन तुम उनकी बात सुनोगी ना तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, उनकी बात सुनती हो ना, सो तो नहीं जाती ना। हमको उनकी बात सुनना अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया, तुम ना उनकी हर बात सुना करो, उनको ना जो अच्छा अच्छा लगता है वो सब तुम करो, ठीक है? लेकिन ये काम थोड़ा जल्दी कर लो। हाँ, अब हम अपना कपड़ा बदल ले। हवेली में पकौड़ा बना है। का है? आपके लिए कोई लाया नहीं का? अब नहीं तो? हम सोचे लाए होंगे, अब वो लोग भी का करे, सारा ध्यान तो उच्च रही अपने ऊपर ले लेती है, अपने काम से उसे संतोष नहीं, बदले में बहुत कुछ चाहिए उसे। हाँ, वो कह तो रही थी हमसे कुछ,
जैसे आई थी ना आपके यहाँ, धक्का कर रही थी कायदे से, वो कहा कह रही थी हमने समझ में तो नहीं आया, लेकिन कह रही थी कि दहलीज पार करके शादी की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहती, परेम सरेम होना जाने काका का? सत्यानाश, ये सब कह रही थी गड़बड़ है का? हाँ देख गड़बड़ तो नहीं, वो कहा है ना कि आप तो भरे घर की लड़की हैं, कितनी सुंदर है, आपको ये छोट जात छोट पात क्या मतलब, लेकिन वो अपना दर्जा परिवार में ऊपर करना चाहती है, वो चाहती है कि बबुआ जी की जिंदगी में कोनो विधि से दर्जा हासिल करे। का मतलब? मतलब ये कि धीरे धीरे वो आपकी जगह ले लेगी, चंड तो है ही, सबसे पहले वो आपका कपड़ा लेगी, पहन लेगी, फिर आपका ये कीमती कीमती जेवर ये अड़प लेगी, और फिर आखिर में हो सकता है कि हमेशा के लिए आपका कमरा भी हथिया ले। तो नहीं, हम अपना कपड़ा अपना जीवन नहीं देंगे उसको। हाँ हाँ बिल्कुल, सब चीज आपका, अरे बीबी है आप उनकी। हाँ उसका क्या मतलब? सही बात, बीबी है हम उनकी, इन सब चीजों पे हमारा कब्जा होना चाहिए। हाँ अब आप छूट की दुल्हन अपने आप को तैयार कीजिए, हर चीज बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन कहा सब चीज और कैसे? हम जैसा जैसा बोलते हैं समझाते हो करो। बस हो गया। तो क्या आप ही सब खाओगी क्या दादी? दादी की नानी हमार भरत है, बाकी सबको भी तो देना होगा। तो दीजिए ना, हम सबको दे देंगे। अच्छा ठीक है, ये लो संभाल के। हाँ ठहरो, बस गिराना नहीं। अभी मन के भीतर बहुत नाराजगी भरी है का आपके? अरे थुकिए गुस्सा, और देखिए सब कितना बढ़िया तरीके से चल रहा। आज नव की दुल्हन शेखर को हंसा डाली। अरे इससे पहले बबुआ को कभी इतने हवेली में हंसते हुए देखा था आपने? याद है कुछ? हूं तो जैसे अपनी हंसी ही भूल चुका था। फिर उसकी ई हंसी का क्या मतलब हुआ? मतलब गाड़ी पटरिया पे दौड़ रही है। हाँ बिल्कुल, और सब आपकी बदौलत हो रहा है। हाँ इसलिए आप हमारे साथ ढंग से पेश आया कीजिए, हमें वक्त आपसे बहुत ही खुश हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये खुशी जिंदगी भर बरकरार रहे, लिए थोड़ा संभाल के लीजिए।
दिल में थोड़ी खुशी लाइए। करना तो ही पड़ेगा जो दिमाग कहता है, दिल जो कहता है वो तो नहीं कर सकता ना। अरे कहाँ हो सब लोग, हाँ चलो आओ, जरूरी बात करनी है। ए रिदिया सिदिया तू भी आ जा। सुनो रणविजय, यहाँ आओ। काहे? हम अपनी मिल्कियत बांट रहे हैं बेटा, सालों से बचा के रखा था जो वो नहीं चाहिए का तुमको कुछ भी? ठीक है बताइए क्या है। ई बंस रोपना या जी बाबूजी। जा बाकी लोगों को बुला ला और हमारे कमरे में भेज दे। और सुन, औरतों को अभी मत बुलाना, उनकी मांग कुछ ज्यादा ही होती है। और हाँ, लोबा को भी नहीं, आके बेकार की बकबक करेगा। हाँ शेखर को बुलाना, तू लोग भी आ जाओ, सबके लिए कुछ ना कुछ है हमारे पास। चलो आओ आओ, तुम लोग आओ। बबुआ जी, बाबा जी सबको अपने कमरे में बुला रहे हैं, आपको भी बुलाया है। अरे कोनो चीज को हाथ मत लगाओ, यहाँ आओ यहाँ आओ। तो का दोगे बुढ़वा बाबा? अभी बताते हैं अभी बताते हैं। बुढ़वा बाबा आप इसमें से का दोगे? ये है तुम्हारे लायक कोई चीज। नहीं नहीं ये रखो, ये तो रत्ना के लिए है। लेकिन रत्ना बुआ तो गई अपने नानी गाँव। तो वापस आ जाएगी ना, तब दे देंगे। इसे कर दो किनारे। अरे हाँ जरा खोले इसे। क्या है इमा? खोलो तो। कौन बाजा बाजा है का? ये रही तुम्हारे पसंद की चीज, अचानक मिल गई, बढ़िया है ना? हमने सोचा तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ये चीज बढ़िया रहेगी, पसंद आएगी तुमको। लो चाचा भी आ गए, उनके लिए का है? बेटा इनके लिए कुछ नहीं हमारे पास, का दे इनको, सब कुछ तो है इनके पास, लेकिन इन्होंने कभी किसी चीज का सदुपयोग नहीं किया, आधी जिंदगी ऐसे ही बीत गई। अरे अब रहने भी दीजिए बाबा, का किया है इसने? कुछ भी तो नहीं, काहे शुरू कर रहे हैं आप, जाने दीजिए। जाने ही तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इनकी जिंदगी की गाड़ी का पहिया पटरी से उतर गया था तो क्या किया कोई? हम गलत कह रहे हैं तो बोलो, क्या किया अपनी जिंदगी में तुम? जरा हमारी ओर देखो, अपनी जिंदगी खत्म करके हम मुक्ति के मार्ग पे जाने वाले हैं, ये लिए सारी चीजें एक एक करके सबको दे रहे हैं।
हमरे पसीने की कमाई है ये। तुम्हारे पास क्या है जिसे तुम अपना कह सकते हो? पूरी जिंदगी में अठन्नी तो कमाए नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे बस, या फिर बांसुरी बजा के समय बर्बाद करते रहे बस। कोनो मतलब का काम किए? जमींदार के बेटे कहलाते हो, लेकिन जमीन से कोई रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हारे नाना जी अपने बगीचा के पीछे वाली जमीन तुम्हारे नाम करवाए, लेकिन तुमने कभी कदम तक नहीं रखे उस खेत में। खुद को बड़ा अच्छा समझते हो, कहाँ अच्छा हो जी तुम? हटो हमरे सामने से। बस रोबना इधर आ। जी बाबा जी। ये सब तुम्हार है। ठाप। ए रद्दी सिद्दी, चला। चला। बंजर, हमारी जिंदगी की तरह बंजर जमीन, बंजर जिंदगी लोहा सिंह के इस बेटे की पहचान है। एक बात कहे छोटे ठाकुर, अपना जिंदगी के संगे इतना कठोर नहीं हुआ जाता। आपको क्या पता आप कहाँ हैं? जादू है आपके पास, बस अवसर भर की देरी है। ये दिलासे हैं, सच्चाई नहीं। वो हवेली के भीतर सांस भी दूसरों के भरोसे चलती, जादू कहाँ चलेगा? बाबा सही कह रहे थे, बांसुरी बजाने के अलावा जीवन में हम किए क्या हैं? बाहर की बेचैन हवा जब आपके बांसुरी में जाकर शांत होती है ना छोटे ठाकुर, तो इंसान को जिंदा करने वाली धुन निकलती है। फिर ऐसे अपनी काबिलियत पर शौक काहे करते हैं आप? कुछ कर सकते हैं आप? कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप और भी काम कर सकते हैं। काहे नहीं जमीन को बोते हैं? अपने बोए हुए को फलते फूलते देखकर बड़ा संतोष होता है छोटे ठाकुर। और ये जमीन तो आपकी है, इसको बोने जोतने से आपको कौन रोकेगा? बंजर है लाली, कुछ नहीं हो सकता इसमें। धरती मैया हमेशा इंसान की मदद के लिए तैयार रहती है छोटे ठाकुर, बस आपके कदम बढ़ाने भर की देरी है। फिर देखिएगा, दिल से गिरा हुआ हर दाना जरूर उगेगा और फल भी देगा।
सोच का रहे छोटे ठाकुर, रखिए पाओ कीजिए श्री गणेश। हम तैयार हैं, लेकिन तय नहीं है कि हम कर पाएंगे या नहीं। कुछ और छोर का पता ही नहीं हमें। उसकी चिंता आप काहे कर रहे हैं छोटे ठाकुर, कुदरत करेगी आपकी मदद और हम भी। देखिए छोटे ठाकुर, कुदरत भी आपको इशारा कर रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। चलो हमें चलना चाहिए। बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं, आज आप जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किए हैं तो कुछ नया चीज तो होना ना चाहिए। चलिए। मौसम इतना खराब हो रहा है, बबुआ पता नहीं कहाँ है। अरे बबुआ जी की काहे फिकर कर रही हैं? पहली बात थोड़ी घर से गए हैं, आ जाएंगे। वो बात नहीं है ता? और तरह भी तो चिंता होती है। अरे वो चिड़ैया लेके गई है ना शेखर बबुआ जी को, काहे उको सोचना चाहिए ना कि ओकरा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन नहीं, ले गई अपने मालिक को। बबुआ लाली के साथ गया है ना, तो चिंता की कोनो बात नहीं है, वो ध्यान रखेगी उसका। दिन ब दिन बढ़ेगा और जैसे जैसे वो बढ़ेगा शिखरवा की जिंदगी दिन प्रतिदिन छोटी होती जाएगी। तुम्हें हमारे बेटे का आखिरी सहारा तो तुम नहीं चाहोगी कि वो जिंदा रहे? कुछ गड़बड़ है का?
सब ठीक है। या तो शेखर को करेगा जो हम चाहते हैं, या तो फिर शेखर को ही मार डाले। मजा आएगा। और जानती हो, हम सुने हैं कि उनमें रणविजय ठाकुर भी भाग लेंगे। सुने तो हम हुए, लेकिन तू इतना काहे जोश में है रे? ओ ऐसे ही वो काहे कि हमको खेल देखने में बहुत मजा आता है ना, इसलिए ऐसा कह रहे थे। बताओ तुम सवेरे सवेरे का बना रही हो? ओ हम और छोटे ठाकुर खेत जा रहे हैं ना काम करने। हाँ सच्ची? अरे वाह। पर लाली हम जितना जानते हैं ओकरे हिसाब से तो शेखर बाबू आज तक कबू खेत में काम नहीं किए हैं। लेकिन अब करेंगे। अरे उनका जमीन है, अपना हाथ से उगाएंगे भी और काटेंगे भी। इमें अचरज वाली कौन सी बात है? हम समझ गए, ये प्लान भी तुमरे होगा। ये सब बात तुमरे दिमाग में आ सकती है। शेखर बाबू पर तुमरा बहुत बढ़िया असर पड़ा है। तुम शेखर बाबू का बहुत ख्याल रखती हो, जो कहते हैं तुम वही करती हो, कदम पे कदम मिलाकर तुम उनके साथ चलती हो। जानती हो लाली, जब हम तुम दोनों को साथ देखते हैं हमको बहुत बढ़िया लगता है। जमनी तू जो सोच रही है ये वाला साथ नहीं है रे, ये तो खाली मालिक और दासी वाला रिश्ता है। का क्या मतलब हुआ? तो हर त्याग तपस्या सिर्फ मालिक के लिए? ए लाली, तुम्हारे मन में सिर्फ इतने हैं का? का? हाँ हम नहीं मानते, तुम हमसे झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। यही सच है जमने, और यही होगा। हमें यकीन है चाहे तुम्हें जितना भी तकलीफ हो तुम हमारे बबुआ की जान जरूर बचा लोगे।
शंकर जी उनके ऊपर कृपा कीजिएगा, उनके हाथ से उनके जमीन में ढेर सारा खुशी लहरा दीजिएगा। जब भी वो हारा हुआ चाहे कमजोर महसूस करे ना, तो अंदर से उनको बल दीजिएगा, कभी भटकने मत दीजिएगा, रास्ता दिखाते रहिएगा। आप तो सकल संसार रचने वाले हैं, देखिएगा उनका दोबारा से तबीयत ना बिगड़े, उनका सब काम सफल कीजिएगा। एक बार फिर से उनके मन में विश्वास और खुशी भर दीजिएगा, ताकि जीने की इनकी इच्छा फिर से बढ़ जाए। और तनी परेम भी, ताकि क्या हुआ, तैयारी हुई? कुछ ज्यादा ही सोच लियो तुम, ज्यादा ही भरोसा कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि पहले दिन ही तुम्हारा सारा भरोसा टूट जाए। भरोसा उठने का सवाल ही नहीं उठता बबुआ। नहीं माँ, हम जरा जमीन पर जा रहे थे अपनी। हमको मालूम है और तुमको जरूर कामयाबी मिलेगी बबुआ। आज हम जीतिया का व्रत पूरा किए हैं, जीतिया माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, हमारे सब पूजा अर्चना तुम्हारे साथ है। इलो प्रसाद, और भगवान जी का नाम लो और जाओ। ज्यादा बोझ मत डालना अपने पर। आप चिंता काहे कर रही, बड़ी झगड़ा है, हम है ना साथ। चले लीजिए छोटे ठाकुर, काम शुरू करते हैं। आइए।
है छोटे ठाकुर, हमरा गांव में खेत जोतने के पहले ना माई और गांव की सब औरत लोग मिलकर खूब गीत गाते थे। कौन गीत गा के सुनाए? कहवा के गेहूं चमके, कहवा के धान, कहवा के ओखरे मुसलवा कुटरे धान, कहवा के ओखरे छपरा के गेहुआ चमके, पटना के धान रच के ओखरे मुसलवा कुटरे धान, कहवा के ओखरे। आराम कर लीजिए, बिना आदत का शरीर है, कितना भार सा है। अरे हम ठीक हैं, परेशान मत हो, थोड़ा गर्मी लग गई थी इसलिए। पानी पीजिए। अभी कोनो परेशानी महसूस हो रही है छोटे ठाकुर? अरे बोले ना ठीक है, देखो। अच्छा ठीक है, बैठ के पहले खाना खा लीजिए, उससे ही बहुत ही गर्मी है। पता चल रहा कि इतना भूख लगा था। कौन नया तरीका खाना है? बहुत ही बढ़िया स्वाद है। बहुत दिन सारा मेहनत करने के बाद सूखा रोटी भी स्वाद लगने लगता है। ये बात हमारे बाबू कहा करते थे। अभी तक तो आधा काम नहीं खत्म हुआ है, बहुत ही काम बाकी है। ये एक अकेला आदमी का काम नहीं है छोटे ठाकुर, ऐसा काम के लिए ट्रैक्टर का जरूरत पड़ता है। हाँ लेकिन अब ट्रैक्टर कहाँ से लाएंगे? दूसरे खेतों में हमारे पास हैं दो ट्रैक्टर काम करने के लिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस काम के लिए बाबूजी से कौनो। बाबूजी से मदद मत ना लीजिए, आपके बाबा उजे इनाम में ट्रैक्टर रखे हैं, वो तो जीत ना सकते हैं। अरे वो तो बहुत पुराना ट्रैक्टर है, उससे कौनो काम होगा का? अरे कुछ हो छोटे ठाकुर, अपने हाथ से तो बढ़िया ना जोतेगा। इका काट रहे बुढ़वा बाबा? ई सुपारी है। इका है बुढ़वा बाबा? ई केसरिया बाना है, देश प्रेम की निशानी। इका ले? ये बैठो तो बताते हैं, बैठो। ये लिए क्योंकि शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। शहीद भगत सिंह
जो देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए थे, हम उन्हीं को याद कर रहे हैं। देश की आजादी में क्या किए थे? अरे तुम्हें स्कूल में पढ़ाया नहीं गए का? भगत सिंह ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। वो अंग्रेजों के खिलाफ तो हथियार उठाते थे, लेकिन उनका ये भी कहना था कि बम और पिस्टल से क्रांति नहीं आती, क्रांति आती है अच्छे विचारों से। ऐसे थे भगत सिंह जो आजादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक कर एक दिन हंसते गाते फांसी पर चढ़ गए। हंसते गाते? हाँ, आज तुमने वो गाना नहीं सुना? मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। अब तुम गाओ। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। अरे शाबाश, तो हम भी पगड़ी पहनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ईलो। हम जरा रियाज कर रहे थे। और दूसरी लाइन काहे लिया, तुमको पता है? कौन? बीच की तो पता है। कौन तू सर की? हाँ, जब आप कबड्डी कबड्डी पढ़ाने जाइएगा ना, तब बिना वो लाइन छुए मत लौटिएगा, ना तो खेला से बाहर हो जाएगा। अच्छा, और फिर पढ़ाते हुए वापसी में वो बीच की लाइन को पार करना होगा। हाँ। नहीं, गायक की बचपन में खेले जरूर हैं, हमारा ध्यान खेल से ज्यादा पढ़ाई में था। तो कबड्डी खेल के बारे में आपको कुछ नहीं पता? नहीं, पता है, पता तो है, सब पता है, लेकिन बस ये है कि जरा भूल रहे हैं, याद आ जाएगा धीरे धीरे, उसी कोशिश में हैं, जैसे कि लाइन। चलिए चलिए, हम बताते हैं, आइए। लो, हम तुम्हें चीनी देते, तुम हमें नमक दो। नमक तो नहीं है हमारे पास, कुछ और मांगो। जरा हाथ घोड़ देते तो तेल लगा देते। अरे का जरूरत है? अरे जब विरोधी ढंग का हो तब ये सब करना चाहिए। अब शेखर जैसे के लिए ये सब फालतू चीज। फालतू चीज? अरे हम तो दूध बादाम मंगाए हैं, तैयारी रहेगा तभी तो हरा सकेंगे, है कि नहीं? तुम काहे लिए इतना परेशान हो रही हो हमारी जीत के लिए? अरे हम तो उच्चरई को हारते हुए देखना चाहते हैं। एक बात बताइए, आज तक शेखर बाबू कभी अपने दम पे कुछ किए हैं? लेकिन आज खेत में जा रहे हैं। हाँ, तुमसे बराबरी करेंगे, और ये सब उच्चरई करवा रही है। सुनिए जी, हमको ये हार चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि वो नीच जात हमको कभी आंख उठाकर देखे। चाहे जैसे भी हो, शेखर बाबू को ये मैचमा हरवाओ। अरे हम यह चाहते हैं और यह होगा। शेखर को हराना डाल पर बैठी चिड़िया को उड़ाने से भी ज्यादा आसान है। काले चाचा को हराना चाहते, वो तो बहुत अच्छे। हाँ, वही तो इसे खिलौने लाई थी।
अरे तुम्हारे चाचा कैसे जीतेंगे? वो तो कभी कबड्डी खेले ही नहीं। शेखर तो हमेशा खिलौनों से खेले हैं। उनको हराने में कितना वक्त लगेगा? चला रे, खेला चपर चपर चपर। आपका दूध आ गया है, पी लीजिएगा। अरे हमें वो नहीं चाहिए दूध, मना कर दो इसको। खा नहीं चाहिएगा? अच्छा तो कोई बात नहीं, जब जिया तब पी लेना, ठीक है? तुम जाओ। अरे नहीं, मतलब हाँ, मैं अब दूध लेके आ ही गई है तो पी लेते, का हर्ज है। ले आओ तो आओ, ले आओ। अच्छा, पैर से छूने की कोशिश करें, हाथ से छूने की कोशिश करें? कैसे भी बस छू दीजिएगा छोटे ठाकुर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसे में लोग पीछे से भी आकर पकड़ने का कोशिश करते हैं, इसलिए हरदम अपना आंख पीछे की तरफ खुला रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई आना। ठीक है, भीतर चलिए। चक्कर सा महसूस हो रहा है। इतना भार अभी आपको नहीं डालना चाहिए अपने ऊपर, चलिए। एक हफ्ते के बाद फिर आपको इस दवाई की जरूरत पड़ेगी और वो खुराक आपको हमसे लेनी पड़ेगी, और वो खुराक पाने के लिए आपको क्या करना है ये आप अच्छी तरीके से जानती हैं। मैं चिरों में घंटा भर रह गया। हम ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है, चलो शुरू करें। अच्छा, विरोधी खिलाड़ी को कैसे पकड़ना चाहिए? एक काम करो, तुम कबड्डी बोर्ड हम पकड़ते हैं, चलो पढ़ो। कबड्डी 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 जो दिन हमार बबुआ को तुमरे इस छाए का एहसास हो जाएगा, वो दिन तुमरे प्रेम में पड़ जाएगा। इतने समय में वो सब कुछ करते जो उसके बाबूजी चाहते हैं, तो ही बबुआ की जिंदगी बच जाएगी। सबका कर रही थी तुम? अरे
बोले थे ना तुमको नहीं छुएंगे। फिर दासी कहती हो तुम खुद को, कह लिए वो सब करती हो जो हम नहीं चाहते हैं। बोला था कि हमने तुमसे ये सब के लिए, तो यह मैच की तैयारी कर रहे हैं हम, उसकी आड़ में ही सब। मैच के दौरान अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना वो मैच भी हार जाएंगे, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर सुनिए तो से, छोटे ठाकुर देखिए का देखे, गलत कर रही थी तुम फिर भी। अरे का रिश्ता का है तुम्हारे हमरे बीच जो इस तरह, का कहोगी अपने इस रिश्ते को? अरे गैर मर्द है, का है हमरे बीच प्रेम है का? तुम्हें ही नहीं करना चाहिए। आपसे कर हमको ये सब नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दीजिए। सारी हदों को पार करके क्षमा बोल देने से क्षमा हो जाता है क्या? जहर का लक्षण फिर से दिखाई देने लगा, का करें? ऐसे में कैसे खेलेंगे? आज का ई कबड्डी का मुकाबला रणविजय बाबू और शेखर बाबू इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। और ये जो आप डायरेक्टर देख रहे हैं ना, ये जीतने वाले टीम के कप्तान को मिलेगा। तो जी भर के खेलिए। तो काम करने को बोले थे सत्यानाश, वो भी नहीं कर सकी। दादाजी बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। मैच खेलने हम इनको कितना समझाएं लेकिन ये सुन भी नहीं किए। तुम ठीक कह रही थी, अभी सिर्फ चिड़ई की बात सुनते हैं। क्या होगा अगर ये सच में हमारी जगह पाकर बैठ गई तो? हम इतने साल से इतना चीजें इकट्ठा किए, सब ले जाएगी। अब चोट की दुल्हन अब चुप हो जाइए, देखते तो सही क्या होता है सत्यानाश। अब चिंता मत करिए, चलिए वहां आकर बैठिए। तो इस समय आपकी ममता आपके कौन से सपूत के साथ खड़ी है?
का चाहती हैं? दोनों में से कौन जीते? कहते हैं कि माए बाप के लिए सब संतान बराबर होती है, लेकिन हम जानत हैं कि आप पक्षपात कर रही हैं। आप अपना आशीर्वाद खाली एक ही बेटे को दिया, दिए कि नहीं? आप भी तो पक्षपात किए हैं। आपने भी तो जहर सिर्फ एक ही बेटे को दिया है। देखिए, ई मैच के खातिर हमको एक ठो रेफरी चाहिए जो ईमानदारी से खेल करवा सके। क्या बोला? ये खेल है और इसे खेल की तरह खेलना होगा। शेखरवा, पहले तुम बताओ, ये बात को मान रहे हो? क्या चाहते हो? अरे पहले ये तो माने। ऐसा चला जा, शुरू करते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, वहीं से आ जा। ये खेल फिर से शुरू करते हैं। खेल में ही सब चलता है, ज्यादा मुहैये मत। काहे नहीं आप कुछ कहते? घाव लगा था, उसी में चोट कर दिए लोग। चलो भाई, अब तो हम अपना जीत का जश्न मना सकते हैं। का बाबा लाओ, बहुत हो गया, ट्रैक्टर का चाबी दो जल्दी। तो परिस्थिति तो यही कहती है कि इस खेल को यही खत्म करना पड़ेगा। खेल तो होगा ठाकुर साहब, पर छोटे ठाकुर घायल हुए हैं तो उनकी जगह दूसरा खिलाड़ी खेलेगा, और इसे बीच में खेला कहे रोका जाएगा? तो क्या करोगी? ननमुनिया बच्चा की जगह है, नया बच्चा लेकर आओगी? हेले ले 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 बबुआ।
बदला में कौन खेलेगा? हम खेलेंगे, हम खेलेंगे। अरे लो, अरे अरे तू तो गजब में मजा किया, अरे का मजा किया। क्या बोलते हो बबुआ? तैयार हो या मान लिए? आप हमसे इसलिए नाराज है ना छोटे ठाकुर कि हम गलती किए? कम से कम हमको अभी तो एक मौका दीजिए प्रायश्चित करने का। बहुत उपकार होगा आपका, अपना बदला भी खेलने दीजिए ना, माना मत कीजिए। खेलना है तो खेलो। हम सब यहां दिन भर खड़े हो गए, ड्रामा नहीं देखेंगे फालतू का। क्या फालतू का बोलते हो बबुआ? आपसे पूछ रहे हैं का ख्याल? खेलने दीजिए इसे। हर जी का है, हमको तो और मजा आएगा खेलने में। हाँ खेलने तो बहुत मजा आएगा, हंसी आएगी खूब में। गेम यहां शुरुआत होती है, स्टार्ट।
है। रुक, वहीं रुक। एक बात कहेंगे हम सबके सामने, ठाकुर की बात चुनौती है, पॉइंट पॉइंट सब भूल जाओ, एक बार बस कबड्डी पढ़ाए दो। अगर तुम जीत गई हम तबाही ये खेल छोड़ देंगे, जीत भी तुम्हारी इनाम भी तुम्हारा। और हां, ये खेल मां हम नहीं खेलेंगे, हमारा टीम खेलेगा। और डॉक्टर कहां से लाएंगे? चुहिया और सांप की लड़ाई, अरे इका जो बाहर हूँ अंदर कैसे घुस रहा है, ये तो सरासर बेईमानी है। अरे काय का बेईमानी, अरे सत्यानाश टीम तो उन्हें का है तो वो तो जा सकते हैं ना का।